नमस्कार मनोज जी। नमस्कार। ट्रॉपिकल हेरिटेज बॉन्साई चैनल में आपका स्वागत है दर्शकों। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक बेसिक टॉपिक है कि बॉन्साई में कौन सा प्लांट का बॉन्साई बनाया जा सकता है और हमें कौन कौन से प्लांट को बॉन्साई बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ शुरू में जब हम लोगों ने बॉन्साई स्टार्ट किया तो हम लोगों के जो गार्डन में मतलब हमारे यहाँ के जो नेचर में बड़े जो ट्रीज थे जिनको ट्रीज बोला जाता है, बड़े यूज ट्रीज, वो बरगद का पेड़ हुआ, पिलखन का पेड़ हुआ, पीपल का पेड़ हुआ, तो हमारी कंट्री में ज़्यादा स्टार्ट इन पेड़ों से हुआ। पर अब धीरे धीरे क्या हुआ, बाहर से इतनी सारी वैरायटी जो बॉन्साई जिनके बनते हैं वो लोगों ने इम्पोर्ट करानी स्टार्ट करी। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग भी कोई ना कोई वैरायटी अपने साथ लेके आते हैं तो उसका फिर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो उन वैरायटियों के बॉन्साई जल्दी और बहुत सुंदर बनते हैं। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि उनकी पत्तियों का साइज़ बहुत छोटा होता है और दूसरा उनके जो पेड़ में एक उनकी एक हैबिट होती है हर प्लांट्स की कि वो वायरिंग करना पसंद करते हैं और कटिंग करना बहुत पसंद करते हैं। मतलब अगर आपको कटिंग और प्रूनिंग से उसको भी तैयार करें तो उससे भी हो जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका बॉन्साई ट्री सिलेक्शन है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। Friends, if you have already not subscribed to my channel, then click the subscribe button and hit the bell icon to receive all the notifications of my new bonsai videos and tutorials. तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोगों का, कुछ लोगों का ऐसा एक फेवरेट प्लांट भी होता है कि कुछ लोग देखते हैं कि जी उनको जामुन का पेड़ बहुत पसंद है, आम का पेड़ बहुत पसंद है, नीम का पेड़ पसंद है, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग उसका बॉन्साई बना ले, पर उनके बॉन्साई नहीं बनते क्योंकि उन पेड़ों की आदत ग्राउंड में ग्रो करने की तो बहुत अच्छी होती है जी। पर जैसे ही आप उसको बॉन्साई पॉट में डाल के उसको कुछ वायर करके शेपिंग करना चाहें या क्लिपिंग ग्रो करना चाहें तो वो उनको पसंद नहीं आता, तो वो धीरे धीरे डाई बैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। और कुछ प्रॉब्लम ये भी होती है उन लोगों उन प्लांट्स में कि वो जैसे उनका जो ग्रोथ टाइम होता है उस टाइम तक तो ठीक है, जैसे वो डोरमेंसी में आते हैं, जैसे ठंडी पड़ती है तो जो डिज़ाइनिंग आपने किया हुआ है वो सारी डाईबैक होकर वो ख़त्म होने लगती है। तो एक साल दो साल आपने पेड़ को ट्रेन किया फिर इमीडिएटली पता चलता है कि एक साल ऐसे में वो पेड़ डाईबैक होकर आपकी वो दो तीन साल की मेहनत ख़त्म हो गई जी। दस बीस प्लांट्स का नाम बता दीजिए जो जिसमें आप जिनमें हम उनको बताएं कि भाई ये प्लांट है और इनका बॉन्साई बन सकता है। देखिए, जो लोग शुरू में स्टार्टिंग करते हैं तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि फाइकस वैरायटी से बॉन्साई को स्टार्ट करें जी। बॉन्साई फाइकस की वैरायटी क्या है, थोड़ा हार्डी होती है। फाइकस जिसमें दूध निकलता है, सैप जिसमें होता है, वो सारी वैरायटी फाइकस की फैमिली से रिलेटिव है जी। जैसे बरगद हुआ, पिलखन हुआ, लिस्टिक फाइकस हुआ, फाइकस में फाइकस लॉन्ग आइलैंड हुआ, माइक्रोकार्पा हुआ, फाइकस रिटूसॉप। पर फाइकस के अंदर भी कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जिनको नहीं करना चाहिए। में कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्ती के जैसे येलो कलर होता है, वाइट कलर होता है, तो जो कलर वाले पत्ते होते हैं जैसे येलो कलर, वाइट कलर, तो इस तरीके के पेड़ों के बॉन्साई नहीं बनाने चाहिए। जैसे फाइकस पांडा हुआ, उसका पत्ता येलो कलर का होता है, फाइकस बेंजीबीना हुआ, फाइकस स्टार लाइट हुआ, इनके पत्ते वाइट होते हैं, तो ये पेड़ ग्राउंड में तो अच्छे बनते हैं जैसे उनका बॉल बनाओ या कुछ, पर जैसे ही आप बॉन्साई में करेंगे तो ये सक्सेसफुल नहीं होते। फाइकस माइक्रोकार्पा तो अच्छा मटेरियल, फाइकस माइक्रोकार्पा सबसे बेस्ट फाइकसों में से, फाइकस रिटूसा, फाइकस माइक्रोकार्पा, लॉन्ग आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड में बहुत सारी वैरायटीज हैं अलग अलग उस डिफरेंट लीव्स की हैं, वो भी बेस्ट है। तो ये सब चीज़ें करें, जैसे आप उसके बाद आप सैंड पेपर है, सैंड पेपर में भी दो वैरायटीज आएंगी उसको, उसके बाद सैंड पेपर भी बोलते हैं उसको, सेवड़ा भी बोलते हैं, प्रेमना हो गया, वैक्स मालपीजा हो गया, कार वैक्स मालपीजा को कारमोना भी बोलते हैं, तो इस तरीके की बहुत सारी वैरायटी है, बसेंदु हो गया, तो आप ऐसी वैरायटियों को अगर आप करें तो वो ज़्यादा बेटर। तो ये जो आपने प्लांट्स के नाम बताए ये ट्रॉपिकल रीजन का मतलब ये है कि जो हमारा इस तरह नॉर्थ इंडिया का जो रीजन है पर्टिकुलर, इसमें ये जो टेम्परेचर हाई होता है 45 डिग्री 47 डिग्री ऑलमोस्ट, और छत का टेम्परेचर तो
क्योंकि ये बॉन्साई है तो ये छतों पे ही रहते हैं काफी, तो ये इन छतों पे जो है टेम्परेचर 50 डिग्रीज के आस से भी ज्यादा 60-60 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो इन टेम्परेचर पे क्या ये प्लांट सर्वाइव करते हैं? हाँ, ये प्लांट सर्वाइव करते हैं, पर थोड़ा सा केयरिंग करना होता है, जब बहुत गर्मी होती है तो उस टाइम पे थोड़ा सा आप ग्रीन नेट ऊपर डाल लें, और वो भी टाइम पीरियड होता है कि जब आपका लू चल रहा हो उस टाइम के अंदर। जी, बाकी सनलाइट तेज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पत्ता जल जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और पेड़ को उसकी वो आदत डालनी भी चाहिए। ज़्यादा सनलाइट में रहने से पेड़ के जो ट्रंक का जो कैरेक्टर है उसका टेक्सचर भी चेंज होता है, जल्दी ओल्ड दिखने लगता है। तो वैरायटीज जो सर्वाइव करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि छोटी पत्ती के पेड़ लें, जिन पेड़ों के हमने नाम बताए आपको, जैसे फाइकस की वैरायटीज बताई आपको, उसके बाद आपको सैंड पेपर हो गया, प्रेमना हो गया, कैजुरीना हो गया, डीवीडीवी हो गया, सेल्टिस हो गया, ऐसी बहुत सारी वैरायटी है, वुड एप्पल हो गया। जूनिपर थोड़ा दिल्ली के वेदर में थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर अगर आप उसको ठीक से ध्यान रखें तो वो भी चलता है, पर उसको थोड़ा सा पहले देखें आप जो पेड़ आप कर रहे हैं, जो ज़्यादा इजी आप समा हैंडल कर सकते हो उनसे आप बॉन्साई को स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे उसके अंदर अपने वैरायटी का जो सिलेक्शन है वो धीरे धीरे आप और लोगों से मिलेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें सर्वाइव कर रही हैं हमारे घर। क्या बोगनवेलिया का भी बॉन्साई बन सकता? हाँ, बोगनवेलिया का भी बॉन्साई बन सकता है। बोगनवेलिया हो गया आपका, जेड हो गया, जेड भी कर सकते हैं आप। जेड ये जीरो मेंटेनेंस है, इसके लोग उनका वाटरिंग बहुत कम पसंद करता है और संभालने में भी इजी होता है। ऐसी बोगनवेल भी है, बोगनवेल को भी आप कर सकते हैं, फ्लावरिंग करता है। तो उसके अंदर एडेनियम को भी बॉन्साई में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए, एडेनियम बॉन्साई मटेरियल नहीं है, क्योंकि एडेनियम कोई ट्रीज नहीं है, एडेनियम सेकुलेंट, उसका जो तना है, मतलब वो उसका जो उसका सिर्फ उसकी खूबसूरती क्या है, उसका एक कॉडेक्ट और उसका फ्लावरिंग, तो मेरे को वो ट्रीज नहीं लग, वो ट्रीज नहीं है। बॉन्साई जो है वो ट्रीज है, ट्रीज है, झाड़ियां हैं। ट्रे गार्डन में थोड़ा सा उसकी ब्रांचेस काट के थोड़ा सा खूबसूरत, हाँ, आप उसको वैसे ही आप उसको लगा सकते हैं कि आपको अगर घर में भाई फूल चाहिए तो आप फूल फ्लावरिंग वो अच्छा करता है, तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन बेसिक फीचर नहीं है, जो बेसिक ट्री फीचर नहीं है उसके। मनोज जी, प्रेमना का बोनसाई बन सकता है? प्रेमना, प्रेमना बहुत अच्छा मटेरियल है, प्रेमना के बोनसाई बहुत सुंदर बनते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि उसकी पत्ती का साइज़ बहुत जल्दी छोटा होता है, और उसके लिए कोई आपको स्पेशल कुछ करना नहीं होता, कि बहुत लोग बोलते हैं कि हाफ लीफ काटें तो पत्ती छोटी हो जाएगी। प्रेमना की एक अपनी एक हैबिट है कि उसको आप जितना छटाई करते रहेंगे तो उसकी पत्ती का साइज़ अपने आप ही छोटा होने लगता है। तो प्रेमना की अलग अलग स्पीसीज हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, जैसे कुछ ताइवान का अलग है, वियतनाम का अलग है, चाइना का अलग है, तो ऐसे अलग अलग है, और थोड़ा थोड़ा सा पत्ती के अंदर फ़र्क है, थोड़ा सा कलर के अंदर फ़र्क है, पर फैमिली सारी एक ही है वो। तो प्रेमना बहुत अच्छा मटेरियल है, सेल्टिस बहुत अच्छा मटेरियल है बॉन्साई सीखने के लिए, क्योंकि ग्रोथ बहुत होती है, तो आपको सीखने के लिए अगर आप उसमें कोई मिस्टेकली कोई ब्रांच गलत भी काट देते हैं तो दोबारा वहाँ से स्प्राउट कर जाता है, तो आप दोबारा उसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं। जो बॉन्साई सीख रहे हैं उन लोगों का एक सवाल होता है कि ये प्लांट्स जो है जनरली कल्टीवेट नहीं करते हैं लोग नॉर्मल नर्सरीज में, तो क्या ट्रॉपिकल हेरिटेज बॉन्साई नर्सरी जो आपकी है, क्या ये प्लांट्स इस टाइप के अवेलेबल होंगे, बेसिक प्लांट्स अवेलेबल होते हैं आपके पास? देखिए, जो नॉर्मल नर्सरियाँ हैं उन लोगों का जो काम है वो हम लोगों से अलग होता है, क्योंकि हम लोग बॉन्साई आर्टिस्ट हैं, तो हम लोगों को अपना मटेरियल खुद तैयार करना होता है, क्योंकि वो लोगों का जो मेरी और फैमिली में भी लोग नर्सरीज का काम करते हैं, मेरे ब्रदर हैं सब, हम लोगों का 3 जनरेशन से नर्सरीज का काम है, पर मैं कभी भी नॉर्मल पेड़ों को बेचने में इतना बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं नर्सरी मैन उस तरीके का नहीं हूँ, तो मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे ब्रदर हैं उन लोगों को बॉन्साई से कोई इतना वो नहीं है, रुचि नहीं है उनको बॉन्साई करने की, तो मेरा बेटा है वो कर रहा है, तो जो हम इसलिए हम लोगों को अपने बेटे को भी सिखाने के लिए मुझे कुछ मटेरियल तो तैयार करना पड़ेगा, और जैसे लोगों को हम लोग क्लासेस लेते हैं, वर्कशॉप लेते हैं, तो उनके लिए भी हमें मटेरियल तैयार करना होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे सामने भी मैंने भी बहुत फेस किया है। हम लोग नर्सरी का काम करने के बावजूद भी हम लोगों के पास बॉन्साई मटेरियल नहीं होता था जी। तो वो सारी वैरायटियां मैं बाहर से लेके आया, मेरे कोई फ्रेंड्स लेके आए तो उनसे कुछ लिए,
तो ऐसे करके मैंने बहुत सारी वैरायटीज अपने पास तैयार करी। जैसे अब जो लोग नए बॉन्साई में आ रहे हैं तो उन लोगों को शुरू से एक वैरायटी, उनका सिलेक्शन ठीक हो। प्लांट सिलेक्शन, सिलेक्शन सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे वो रॉक सिलेक्शन हो, चाहे वो प्लांट सिलेक्शन हो, चाहे वो सॉइल सिलेक्शन हो, चाहे वो पॉट सिलेक्शन हो, ये सिलेक्शन अगर आपका ठीक होता है तो आधी हेल्प आपको खुद ही हो जाती है आपके राइट सिलेक्शन से। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दर्शकों को जानने चाहिए कि बेसिक स्टेप अगर आप सीख करते चले जाएंगे तो आप बॉन्साई को आप समझ पाएंगे और उसमें आप बॉन्साई को एंजॉय कर पाएंगे, आप जल्दी एंजॉय कर पाएंगे, अदरवाइज कई बार ऐसा होता है बॉन्साई करने का शौक काफी दर्शकों को होता है, करने वालों को होता है बॉन्साई लवर्स को, बट वो बीच के स्टेप फॉलो नहीं कर पाते और वो सोचते हैं ये बड़ी डिफिकल्ट आर्ट है, वो कई बार उन आर्ट बीच में दम तोड़ देती है। चलिए मनोज जी, आज के एपिसोड में आपने जो बताया कि जोन जोन से प्लांट है, कैजरीना फाइकस की वैरायटी, सैंड पेपर, बेजिलिन रेन ट्री, ये जितनी ट्रीज आप की वैरायटी, मैं आपको इतने नाम अभी बता नहीं पाया हूँ क्योंकि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम लोगों को आ रही है तो मेरे ख्याल से मेरे को इसमें हेल्प करनी चाहिए और मैं अपने पेज के ऊपर एक वो लिस्ट बना के डालता हूँ जिससे कि लोगों को एक सिलेक्शन पता चले कि इन ट्रीज़ों के अगर आप बॉन्साई बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे बनते हैं और आपको भी हेल्प हो जाए, जल्द ईजी होगा और जल्दी होगी। बिल्कुल, धन्यवाद। और नेक्स्ट एपिसोड में हम दर्शकों को बताएंगे कि सॉइल कैसे, मिक्सचर कैसे बनाएं। बिल्कुल। और आज के लिए इस एपिसोड को यहीं करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।